नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स से बात करते हैं कि एक्चुअल में जियोपॉलिटिक्स क्या होती है और मिडिल ईस्ट का क्या क्राइसिस है, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनमें क्या हो रहा है उनको समझेंगे, उनकी पॉलिटिक्स कैसी है वो समझेंगे, और उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या पड़ने वाला है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसको हम कैसे उससे बच सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या है कैसे है। दोस्तों, जैसा कि अभी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्ट में आजकल लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान है, इराक है, इसराइल है, इजिप्ट है, यूएई है, सऊदी अरब है, लेबनान है, ये सारी कंट्रीज़, कुवैत, ओमान, ये सब मिडिल ईस्ट में ही आते हैं। यहाँ तक कि आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें एक समुद्र भी आता है ऐसा, जो ईरान और सऊदी अरब के बीच का जो समुद्र है उसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं, ऐसा समझिए। और ईरान के पास से और यूएई के पास से एक छोटा सा पास दिया है, मतलब एक पासेज एरिया होता है, जो थोड़ा सा पतला सा एरिया होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाम है, जो ईरान और यूएई के बीच का रास्ता है, पतला सा रास्ता है, जो पतला सा रास्ता होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, तो इस पतले से रास्ते का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब समझाते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है पर्शियन गल्फ, ये मिडिल ईस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, इसराइल पिछले साल अक्टूबर से एक लड़ाई में है, उसके ऊपर हिजबुल्ला ने आक्रमण कर दिया था, उसके कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया हिजबुल्ला ने, उसके बाद से इसराइल का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो उनको ढूंढ रहा है गाजा पट्टी में, उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है आतंकवादियों को, क्योंकि हिजबुल्ला एक आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्ला और हमास। तो जो गाजा पट्टी में है वहाँ पर हमास है, हिजबुल्ला लेबनान में है, लेबनान बिल्कुल ये समझ लीजिए कि नॉर्थ की तरफ, इसराइल का जो नॉर्दर्न एरिया है उधर कंट्री जो है वो लेबनान है, और इसराइल के ठीक पीछे की अगर साइड पे देखें तो जॉर्डन है, और गाजा पट्टी के साइड आगे की तरफ और जाएं तो वो समुद्री एरिया है, ऐसा समझ लीजिए। गाजा पट्टी बहुत छोटा एरिया है, इसराइल खुद भी बहुत छोटा है, उसमें भी गाजा पट्टी में हमास है जो इनके ऊपर आतंकवादी एक्टिविटी करता रहता है, और वहाँ पर जो इसराइल के अंदर के एरिए में कुछ ऐसी जगह है जिसको, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि पैलेस्टीन, जो फिलिस्तीनी लोग बोलते हैं वो रहते हैं, फिलिस्तीन एक देश है वो है। अब आपको ये मोटी मोटी चीज़ें बता दी। तो अब इसराइल का हुआ झगड़ा, इसराइल ने कुछ नहीं किया, पहले उन्होंने हमास के जो आतंकवादी हैं वो आए, उन्होंने गोलियां बरसाईं, इसराइल के लोगों को मारा और बंधक बनाया और लेकर चले, ये हुआ। इसके बाद इसराइल ने उनसे बदला लेना शुरू करा और उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू करा गाजा पट्टी के अंदर, ये समझ लीजिए कि एक पूरे एरिए को ही खाली करा दिया, नॉर्थ का एरिया जो है पूरा वो खाली हो चुका है, और उस पर इसराइल बिल्कुल, इसराइल की सेना घूम रही है आराम से। अब ये सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट में दिक्कत देने लगी कुछ देशों को, उसमें जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं सभी को दिक्कत होने लगी, और इसराइल यहूदी देश है, ज्यूस हैं ये लोग, ये मुस्लिम नहीं है, ये घिरा सभी मुस्लिमों से है लेकिन ये ज्यूस है, पैलेस्टीनी जो हैं वो भी मुस्लिम्स हैं। अब होता क्या है दोस्तों, सभी लोग इसराइल के हैं दुश्मन, दूसरी तरफ अब ईरान और इसराइल की बिल्कुल नहीं बनती, और ये जो आतंकवादी संगठन है हमास, हिजबुल्ला, इनको सपोर्ट करता है ईरान, ईरान इनको पैसा देता है, ईरान इनको हथियार देता है ताकि इसराइल को वो व्यस्त रख सके, क्योंकि आपस में दोनों को बनती नहीं इसराइल और ईरान की। अब एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जब भी देखोगे आपको न्यूज़ सुनने में मिल जाएगी कि हिजबुल्ला ने रॉकेट फायर कर दी इसराइल के ऊपर, कभी हमास फायर कर देता, तो इनके साथ तो
इसराइल का लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, ईरान से इनका क्या झगड़ा है वो भी बता देता हूँ। दरअसल क्या है कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहते हैं कुछ देश। अभी जैसे कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा है सऊदी अरब, सऊदी अरब खलीफा है, ईरान चाहता है कि मैं खलीफा बन जाऊँ, मुस्लिमों की बात मैं उठाऊँ, सब मेरी बात माने। सऊदी अरब सुन्नी देश है, ईरान सिया देश है, सिया सुन्नी में वैसे भी लड़ाई होती है, ईरान को वैसा एक्सेप्ट करते नहीं मुस्लिम वर्ल्ड के लोग एज अ खलीफा, हालांकि मजबूत देश है, कमज़ोर नहीं है, उसके पास भी ऑयल है, सैंक्शन लगे हुए हैं ठीक है, लेकिन फिर भी मजबूत देश है। तो दोस्तों इसलिए अब मुस्लिम देश होने के नाते ईरान और इसराइल की बनती नहीं है। ईरान का कहना है कि इसराइल जो है वो पैलेस्टीनी लोगों को परेशान कर रहा है, उनको ज़बरदस्ती मारता है, इसलिए वो बनती नहीं उसकी। अब वो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करता रहता है। दूसरी चीज़, अब जब इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा है, अब ईरान क्या करता है, ईरान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। अभी उसके पास न्यूक्लियर पावर है नहीं, लेकिन वो न्यूक्लियर बम अपना बना लेगा, परमाणु बम। ईरान नहीं चाहता कि उसका कोई दुश्मन न्यूक्लियर पावर बन जाए, वो ये तो कर चाहेगा नहीं, तो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से इनके न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हर्ट करता रहता है इसराइल। कभी कहीं मिसाइल अटैक कर देता है, कहीं उनके साइंटिस्टों को मरवा देता है, तो ये चलता रहता है, ये ईरान कर देता है, इसराइल कर देता है, ईरान के अंदर जाके मार देता है, ऐसा समझ लीजिए। तो दोस्तों अभी क्या हुआ, अभी करीब 10 दिन 15 दिन पहले की न्यूज़ है, सीरिया की जो राजधानी है दमस्कस, वहाँ पर ईरान की काउंसलेट में जा कर के ईरान ने मिसाइलें बरसा दी और उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं जो, उनको मार दिया, 6 उनके टॉप कमांडर थे, सोचिए उनको मार दिया। अब ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं ईरान के, ये दोस्तों कोई ऐसी वैसी फोर्स नहीं है, मिलिट्री फोर्स, ये पैरामिलिट्री फोर्स वैसी है जिनके पास सिर्फ ये काम है कि इस्लाम की रक्षा करना है। जहाँ भी इस्लामिक लोगों के साथ दिक्कत हो रही होगी, परेशानी आ रही होगी, उनकी ये हेल्प करेंगे, उनके लिए लड़ाई करेंगे, सिर्फ ये काम है। तो आप सोचिए कि ये एक मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना है ईरान को, और जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस्लाम को बचाना है, और उन्हीं को कोई मार के चला जाए, तो ये तो बिल्कुल मतलब कहते हैं शर्म से सर झुकने वाली बात हो जाती है ईरान के लिए। तो ईरान ने भी ठाना कि ठीक है, आपने हमारे 6 गार्ड मार दिए रिवोल्यूशनरी गार्डों को, तो ईरान ने बोला कि अब हमको बदला लेना है। अच्छा, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो इनको ऑर्डर नहीं देते रिवोल्यूशनरी गार्डों का, इनका जो ऑर्डर इनके मिलता है वो आयतुल्ला खुमैनी है ईरान में, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन होते हैं ये आयतुल्ला खुमैनी। वो जो रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑर्डर मानते हैं वो सिर्फ इनका मानते हैं, और इन्होंने खुमैनी जी ने ईद के दिन बोला अपने देश के लोगों से कि हम इसराइल से बदला लेंगे, रिवेंज हमें लेना है, इन्होंने ये बात बोली। अब अपने देश के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ईरान के पास हालांकि इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उस लेवल से अटैक करता इसराइल के ऊपर, लेकिन अब बात बोली है तो फेस सेविंग के लिए अटैक भी करना था। तो ईरान ने ईद के बाद अटैक किया इसराइल के ऊपर, बहुत लेकिन कैलकुलेशन के साथ किया, वो ये भी जानते थे कि बहुत अगर नुकसान हो गया इसराइल को तो ईरान के लिए बहुत तकलीफ पैदा कर देगा वो। तो इन्होंने 300 हथियार से हमला किया, उसमें ऐसा समझ लिए कि 30 तो क्रूज मिसाइल थी जो थोड़ी महंगी होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन्स थे, यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो जितने भी आइटम से हमला किया गया इसकी करीब कीमत थी $300 मिलियन, इतनी इसकी कीमत थी। अच्छा, इसराइल ने इसको पूरी तरह से डिफेंड भी कर लिया, लेकिन इसराइल के लिए ये जो डिफेंड किया है इसको डिफेंड करने में ही करीब $1.5 बिलियन की इक्विपमेंट लग गई इनसे बचने के लिए। इसराइल बच तो गया, उसने नुकसान ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, उसके ज़मीन पे ऐसे ही जाके गिरा, किसी के ये भी नहीं खबर आई कि किसी को
चोट पहुंची हो, मर गया हो, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ वैसा। तो इसराइल बच तो गया, लेकिन दोस्तों इसराइल को थोड़ा सा इसमें इकोनॉमिकल लॉस है। अगर देखा जाए तो उनका तो $300 मिलियन लगा, इनका $1.5 बिलियन लग गया, एक ये नुकसान है इसराइल का। दोस्तों ये तो थी बात वो। अब ईरान के ऊपर तो जो करना था उनको उन्होंने कर दिया, अब ईरान को बचना था। अच्छा, ईरान ने हमला करने के बाद ये बोल भी दिया तुरंत कि भाई आपने मेरी कौंसलेट पे हमला किया। कौंसलेट का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि दूतावास, और दूतावास पे हमला का मतलब किसी देश पर ही हमला होता है, मतलब ईरान के ऊपर ही ये मान लिया हमला हुआ, उसका इनको बदला लेना था। इन्होंने ऊपर से अटैक किया, उसको इसराइल किसी तरह से बच गया डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ करके। तो ईरान ने कहा हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम आगे कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन इसराइल ने अगर दोबारा कुछ किया तो हम उसका जवाब फेर देंगे, ये भी बोला, लेकिन फेस सेविंग अपनी कर ली। अच्छा, इसराइल भी तो बोल दिया उसने कि हम बदला लेंगे ज़रूर। अच्छा, इसराइल को बैक कौन करता है? इसराइल को बैक करता है, पीछे से जो पावर देता है वो यूएसए देता है। यूएसए भी इस वक्त अपना कुछ दूसरी जगह फंसा हुआ है लड़ाई झगड़े में, रूस यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है, तो यूक्रेन को सपोर्ट यूएस करता है, उसको फंडिंग करता है, हथियार दे रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। दूसरी चीज़, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जो बाइडेन अनपॉपुलर लीडर है, उतनी पॉपुलरिटी उनकी नहीं है जो एक होनी चाहिए, वो इस वक्त ज़्यादा कुछ चाहते नहीं कि किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर वो युद्ध में चले जाएं इसराइल के साथ। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया इसराइल को कि आप युद्ध मत करना ईरान से, अदरवाइज हम आपका सपोर्ट करेंगे नहीं। अब दोस्तों ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, उसके फेस पे बात आ गई, और दूसरी चीज़ फेस पे बात ना भी आए तो इसराइल जिस लोकेशन पे है उसके अगल बगल सब मुस्लिम कंट्री हैं, तो क्या मुस्लिम कंट्री उसको अदरवाइज ले लें, क्या वो डिफेंसिव रह सकता है? क्या वो जवाब नहीं देगा? जवाब नहीं देगा तो अगली बार कोई दूसरा देश ईरान को इसराइल के ऊपर हमला कर देगा, तो इसराइल को तो जवाब देना ही पड़ेगा। उसको कैसे भी करके अपनी फेस सेविंग भी करनी है कि आपने हमारे ऊपर हमला किया, हमने आपको जवाब दिया, ये करना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई हमला उसके ऊपर करेगा एज अ ज्यूस यहूदी, क्योंकि बाकी सब तो मुस्लिम कंट्री हैं, उसके ऊपर हमला करेंगे, उसको उस रीजन में अगर बच कर रहा है ना तो उसको हमले का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो ये सब लोग सोचेंगे कि ये जवाब नहीं देता, कुछ भी कर डालो। इसलिए इसराइल को जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा, और उसने इसको सोचने के लिए करीब 7 दिन का समय भी लिया, और 7 दिन के बाद इसराइल ने ईरान पे हमले किए और अच्छी तरीके से अपना बदला लिया और वापस हो गया। अब दोस्तों क्या वो हमला नहीं करना चाहिए उसे? अगर कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है और ये मालूम है कि सब मुस्लिम कंट्री हैं, हमें घेर के मार देंगे, तो उसने हमला किया अपना, ठीक है। साथ ही साथ उसने एक मैसेज भी दिया ईरान को कि आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपको जवाब दे रहे हैं, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर मेरे साथ यूएसए नहीं खड़ा है तब भी हम आपको जवाब दे रहे हैं, ये मैसेज दिया कि हम अकेले इतने ताकतवर हैं कि हम आपको जवाब दे देंगे। इसराइल ने ये काम किया, यूएसए ने उसका सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अब इससे दोस्तों क्या है कि अगर अब ईरान वापस से अगर जवाब देता है इसराइल को, तो ये एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। जो अभी एक एक अटैक हो रहे हैं, ये एक पूरी फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाएंगे दोनों देश। हालांकि इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो इनसे निपट लेगा अच्छे से, उसको सपोर्ट मिले या ना मिले, इतना वो कैपेबल देश है। क्योंकि इसराइल वो देश है जो एक कई देशों से लड़ाई उसने 6 दिन में ख़त्म करी थी, और आज से कई सालों पहले करी थी जब वो इतना डेवलप नहीं था, अब तो वो बहुत आगे निकल चुका है। तो इसराइल इज़ कैपेबल कि वो रिस्पॉन्ड करेगा और प्रॉपर वे में कर देगा। दोस्तों ये तो रही बात ईरान इसराइल यूएसए की, अब इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और एक चीज़ और भी समझनी होगी, ईरान को बैक कौन करता है? तो दोस्तों ईरान को बैक करता है रशिया,
जैसे यूएसए बैक करता है इसराइल को, वैसे ही ईरान को बैक करता है रसिया। अब दोस्तों भारत के लिए सोचिए क्या पोजीशन है भारत की। ईरान भारत का दोस्त, इसराइल भारत का दोस्त, रशिया भारत का दोस्त, मतलब दोनों जो लड़ने वाले हैं वो दोस्त हैं हमारे। रशिया जो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो भी हमारा दोस्त है। अब रशिया के साथ हमारी दोस्ती कैसी है? रशिया ये समझ लिए कि यूएन में अगर कोई बात आती है तो यूएन का परमानेंट मेंबर है रशिया, वो हमारा सपोर्ट करता है। चाइना के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ों में वो हमारा सपोर्ट करता है। रशिया के साथ एक दिक्कत भी है, रशिया हथियार हमें बेचता है, सबसे ज़्यादा हम हथियार रशिया से ही खरीदते हैं, लेकिन वो हथियार चाइना को भी बेचता है जो हमारा दुश्मन है। और चाइना का जब भी कोई इशू आता है तो वो हमारा रशिया सपोर्ट नहीं करता है, एक ये चीज़ है। लेकिन वो हमें सपोर्ट नहीं करता वो ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपने बहुत ही अच्छे दोस्त को खो नहीं सकते। रशिया कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट करता है, हमारा दोस्त दोस्त है, चाइना के मुद्दों को छोड़ करके दूसरी चीज़ों में। तो हम ऐसे दोस्त को तो नहीं खोना चाहेंगे। अभी जब ऑयल खरीदना था तो उसने हमें डिस्काउंटेड ऑयल दिया था, हमने खरीदा, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद था, ठीक है। एक चीज, ईरान के साथ हम लड़ाई झगड़े में इसलिए नहीं जा सकते, ईरान भी ऑयल देता है। दूसरी चीज, ईरान में हम चाबहार पोर्ट एक डेवलप कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट वो है दोस्तों जो मुंबई से ले करके समुद्री सीमा में चाबहार को कनेक्टिविटी, हम अपना माल चाबहार पहुंचा देंगे मुंबई से पोर्ट से। चाबहार में पहुंचने के बाद हम एक रेलवे लाइन बिछाना जा रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान से होते हुए फिर आगे हम अपने माल को बेच सकते हैं। हमको ये रूट इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। अगर आप मैप में देखेंगे तो पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान है, तो जब पाकिस्तान को रास्ता नहीं देगा तो हम अफगानिस्तान पहुँचेंगे कैसे? अब अफगानिस्तान पहुँचने का रास्ता या तो चाइना की तरफ से है या तो ईरान से पहुँचे। चाइना भी हमारा दोस्त नहीं है, कैसे पहुँचने देगा? तो हमारे पास रास्ता ईरान का ही बसता है। तो अगर हमें आगे बिजनेस करना है तो ईरान का सपोर्ट तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ईरान का हम सब सपोर्ट ले रहे हैं तो उससे हम दोस्ती, और फिर ऑयल भी वो बेचता है, ऑयल भी उसका है और वो भी ठीक ठाक रेट पे देता है, डिस्काउंटेड रेट पे। तो इसलिए भारत उससे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा मोल नहीं ले सकता है, किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। तीसरी चीज, अब इसराइल के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। भारत का इसराइल टेक्नोलॉजी का पार्टनर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि रसिया के बाद हम हथियार वगैरह इसराइल से ही परचेज करते हैं, टेक्नोलॉजी वो हमें देता है, टेक्नोलॉजी देता है साथ में। अभी जब पैलेस्टीन के लोगों ने वहाँ पे जॉब, उनको अब इसराइल में नहीं मिलती जॉब, इसराइल ने भगा दिया फलस्तीनी लोगों को, तो अब वहाँ के लोग, जो लोगों को जॉब चाहिए वहाँ पर, जो कंपनियों को लोग चाहिए काम करने के लिए, वो भारत से ही तो जा रहे हैं। अब भारत सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया इसराइल की सरकार ने, और इसराइल में लोग भारत से जा रहे हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज, हमको वहाँ से टेक्नोलॉजी मिल रही है ईरान, इसराइल से। इसराइल को हम क्यों खोना चाहेंगे? उसको भी नहीं खो सकते। इसराइल से लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ से पैसे कमा के इंडिया भेज रहे हैं, तो इंडिया की कहीं ना कहीं अर्निंग हो रही है, पैसे से फ़ायदा। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, इसलिए हम उससे लड़ाई झगड़ा नहीं मोल ले सकते। तीसरी चीज, इसराइल यहूदी कंट्री है, यहूदी कंट्री है। दूसरी चीज़, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के भी से भी हमारे बहुत लोग जॉब करने जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, वहाँ से भी अच्छी खासी हमको इनकम में होती है। इसलिए हम इसराइल का सपोर्ट इसलिए भी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से खुले में, अदरवाइज मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, वहाँ पर हमारे लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब चली जाएगी, वो लोग वहाँ कमाते हैं फिर उस पैसे को इंडिया भेजते हैं। प्लस हम ऑयल भी मिडिल ईस्ट से परचेज करते हैं, सऊदी अरब से ऑयल लेते हैं, दुबई से लेते हैं, तो इन सब जगह से, और कतर है, ओमान है, गैस वगैरह भी हमें ख़रीदनी होती है तो हमें यहाँ से मिलती है। हमारे ओमान से जैसे अभी एक डील हुई है, कतर से हमारी डील है,
तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम किसी भी तरह से किसी का भी साइड नहीं ले सकते मिडिल ईस्ट में, ना ही हम रशिया के साइड जा सकते हैं, ना ही हम ईरान के साइड ले सकते हैं, ना ही हम इसराइल के साइड ले सकते हैं। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि हमको तो न्यूट्रल ही रहना है, क्योंकि हमने किसी की भी साइड ली तो हमारा ही नुकसान है और बड़ा भारी नुकसान है। इसके साथ ही यूएसए से भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, यूएसए के भी हम खिलाफ नहीं जा सकते, हालांकि यूएसए का हम पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों आज की न्यूज आपको बताऊं, यूएसए पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान के पास अभी लॉन्ग रेंज की कोई भी मिसाइल नहीं है। अब लॉन्ग रेंज की कोई मिसाइल नहीं, लॉन्ग रेंज की मिसाइल वो होती है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। एक तो होती मीडियम रेंज, एक होती शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज की मिसाइल वो होती है जो 300 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक मार सकती हो, दूरी तय कर सकती हो, इसको शॉर्ट रेंज बोलते हैं। मीडियम रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच की मिसाइल जो होती है इसको हम मीडियम रेंज बोलते हैं। तो लॉन्ग रेंज वो होती है जो 3000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा भी हो। तो इसमें दोस्तों जब 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल रशिया पाकिस्तान के पास नहीं है, तो दो कंट्री के ऊपर उसने सैंक्शन लगाया यूएस ने आज ही, कि ये दो कंट्री की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से जुड़े हुए कुछ इक्विपमेंट या उससे जुड़ा हुआ कुछ मटेरियल पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए उसने सैंक्शन लगा दिया। पहला लगाया सैंक्शन रशियन कंपनीज के ऊपर, दूसरा लगाया बेलारूस के ऊपर। अब दोस्तों ये सैंक्शन लगाया इससे भारत को तो खुश होना चाहिए, हालांकि इसमें इतनी कोई खुशी की बात नहीं है। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास शाहीन मिसाइल है, वो मिसाइल करीब 2700 किलोमीटर को कवर करती है, और जब 2700 किलोमीटर रेंज की जब पाकिस्तान ने डेवलप करी अपनी पास मिसाइल, तो उसने पूरे इंडिया को कवर कर लिया। तो ऐसा तो है नहीं, अगर रोकना था उस वक्त अगर रोकता यूएसए पाकिस्तान को, तब तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान यूएसए को हमारी चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। यूएसए को चिंता किसकी है? यूएसए को चिंता है इसराइल की, क्योंकि मीडियम रेंज की अगर कोई भी मिसाइल दागी जाए पाकिस्तान से तो इसराइल तक नहीं पहुंचती, लेकिन अगर लॉन्ग रेंज की मिसाइल डेवलप कर ली पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान मार सकता है इसराइल को। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है, उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, इसलिए इसराइल की टेंशन की वाली बात है इसराइल के लिए, और इसराइल के लिए टेंशन वाली बात है इसीलिए यूएसए ने सैंक्शन लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल ना बना पाए, अदरवाइज वो रशिया इसराइल के लिए नुकसानदेह हो जाएगी। इसराइल बहुत ही भरोसेमंद देश है यूएसए का, उसकी वजह से ये राज करते हैं वहाँ पर। अब दोस्तों ये एक दिक्कतें हैं समझ लिए यूएसए के साथ हमारे रिलेशन। अब दोस्तों भारत के साथ एक और समस्या है, अगर ये लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता ईरान और इसराइल के बीच में। अब जैसा कि मैंने बताया कि भारत का जो एनर्जी आती है वो गल्फ कंट्रीज से ही आती है, तो ये जो गल्फ कंट्रीज भारत को ऑयल बेचते हैं ये किस जिस रास्ते से आता है, वो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास पड़ता है, अब जब जंग होगी तो वो उस रास्ते से कोई भी शिप निकल नहीं पाएगा, क्योंकि सबको डर होगा कि पता नहीं कौन सा मिसाइल हिट कर दे शिप को, इसलिए जब उस रास्ते से आएगा नहीं। तो दोस्तों बता दें कि अपना जो 85% एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो हम बाहर से लेते हैं, उसका करीब 40-45% फ्यूल ईंधन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इसी रूट से पूरी होती है हमारी, हमारे लिए कितनी मुश्किल वाली चीज हो जाएगी। फिर हमको रूट बदलना पड़ेगा, और जैसे ही हम रूट बदलेंगे वैसे ही हमारे लिए क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, लाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और पूरा घुमा कर लाना पड़ेगा, और जब वो कीमत बढ़ेगी तो हमारे देश में चीज़ें महंगी होंगी, और जब महंगी होंगी तो दोस्तों महंगाई जब आती है तो फिर क्या ही कहने, फिर तो लोगों की परेशानी बढ़ती है, महंगाई जब बढ़ती है
सबसे पहली चीज़ जब महंगाई बढ़ती है तो जॉब जानी स्टार्ट होती है लोगों की, जॉब जाती है, परेशानी आनी स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं ग्रोथ जो किसी देश की चल रही होती है वो ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाती है। ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है सामने, अगर किसी तरीके से क्या इसमें फेस सेविंग हो सकती है, क्या किसी तरीके से इसराइल का ये युद्ध रोका जा सकता है? तो दोस्तों रोका तो जा सकता है अगर रोकना चाहे, लेकिन क्या इसराइल ऐसा करेगा ये भी बड़ी बात है। दोस्तों कई चीज़ें हैं जो इसराइल नहीं कर सकता है। पहली चीज़, वो एक ज्यूस कंट्री है और अगल बगल सारे उसके मुस्लिम कंट्री हैं, और मुस्लिम कंट्री को अगर वो जवाब नहीं देगा टाइम पर तो उसके ऊपर कभी भी कोई भी हमला कर देगा, कभी सीरिया हमला कर देगा, कभी इजिप्ट कर देगा, कभी जॉर्डन कर देगा, तो कभी ईरान कर देगा। तो इसराइल ये चीज़ बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसराइल को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छा इसराइल जवाब ना दे, डिफेंसिव हो जाए कि दूसरा अटैक करे, अपने को रोक ले, तो क्या ये अफोर्ड कर सकता है? दोस्तों ये भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे अभी ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, $300 मिलियन का खर्चा आया ईरान का, और इसराइल को बचने के लिए $1.5 बिलियन का खर्चा आ गया। कहाँ $300 मिलियन और कहाँ $1.5 बिलियन, इतनी बड़ी कॉस्ट उसकी आ गई। तो दोस्तों इसमें कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा लग रही है डिफेंसिव होने में, और अगर वो इसी की जगह अटैक कर देगा तो अटैक तो एक को करेगा, मैसेज सबको चला जाएगा कि भाई बच के रहो, ये अटैक कर देगा तो हमारा हो जाएगा नुकसान, और जब अटैक करेगा तो सामने वाले का नुकसान होगा, उसको जो लॉस होना है वो तो होना ही है, फिर जान का भी खतरा है, पैसे का जो खतरा होना है वो भी होगा, जान का भी खतरा है, मैसेज भी सबको चला जाएगा। इसलिए इसराइल ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जवाब ना दे, उसकी मजबूरी है जवाब देना, USA उसका साथ दे या ना दे। अब ये समझ लीजिए कि इसराइल ने जवाब ईरान को उस वक्त दिया जब एक दिन पहले UK और जर्मनी के कुछ ऑफिशियल्स, कुछ मिनिस्टर्स आए यहाँ पे इसराइल में, और इसराइल को समझा रहे थे कि आप अटैक मत करो, अटैक करोगे तो दिक्कत आएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। उन्होंने करीब एक दिन पहले उनको समझा कर वो अपना विदाई लिया इसराइल से, और अगले दिन इसराइल ने अटैक कर दिया, क्योंकि इसराइल को अपना देखना है भाई, किसी की सुननी थोड़ो नहीं है, कोई दूसरा कंट्री कैसे किसी की फॉरेन पॉलिसी को चला सकता है? तो इसराइल जैसे इंडिपेंडेंट है उसको अपना अच्छा बुरा खुद समझ में आता है। अब जैसे इंडिया का केस है मान लो, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई दूसरा देश थोड़ा डिसाइड करेगा कि हमको पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है या नहीं करना। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ करेगा तो हम तो घर में घुसकर मारेंगे, और इससे पहले हमने किया भी है, वो पाकिस्तान के पास न्यूज है उसकी, और उसके पास पूरी सबूत हैं कि पाकिस्तान का क्या हुआ था। तो भारत को क्या करना, भारत डिसाइड करेगा, ऐसे इसराइल को क्या करना, इसराइल को डिसाइड करना है, कोई दूसरा और नहीं डिसाइड कर सकता, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है। तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स इस तरह काम करती है कि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। अच्छा अब एक दोस्तों एक चीज़ ये भी है, मान लो कि इसराइल के ऊपर अटैक होता है और USA वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं करता है, USA परसेंट गल्फ से हट जाता है, पीछे हट जाता है, तो इससे और किसका फ़ायदा होगा? तो दोस्तों इससे किसी और का नहीं, चाइना का फ़ायदा होगा, क्योंकि ईरान इसराइल अटैक करेगा वो अपनी सेफ्टी करेगा, रसिया कहीं ना कहीं अभी बिजी है अपनी लड़ाई में यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को सपोर्ट USA कर रहा है, USA और हर तरफ सपोर्ट कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास भी सीमित संसाधन है, एकदम से वो कहीं ऐसे नहीं कर सकता। तो मिडिल ईस्ट में जब ये होगा नहीं USA, तो उन देशों को जो बिजनेस करते हैं उनको सिक्योरिटी कौन देगा? अभी तो USA सिक्योरिटी देता है, उस वक्त सिक्योरिटी देगा चाइना, चाइना फिर इन्फ्लुएंस करेगा वहाँ पर, और चाइना भारत का है दुश्मन। आज जो मिडिल ईस्ट में भारत की चलती है, सबसे बातें अच्छे से व्यवहार बना के रखा है भारत ने, फिर जब सिक्योरिटी चाइना देगा तो भारत की उतनी चलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए दिक्कत ही आएगी।
हमने अगर किसी का भी सपोर्ट किया तो दिक्कत, न्यूट्रल रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही है। यूएन में अगर किसी चीज़ की वोटिंग हो रही हो तो उससे हमें अब्सटेंड कर लेना चाहिए, मतलब वहाँ से हट जाना चाहिए, वोट किसी को नहीं देना चाहिए, ना हाँ में ना ना में। यही हमारी पॉलिसी ज़्यादा सही रहेगी जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए। और चाइना भी वहाँ एंट्री नहीं कर पाएगा अगर पूरी तरह से इन्वॉल्व भारत हो गया किसी तरह से मनाने में कि लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर यूएसए उस जगह रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, यूएसए नहीं रहा तब तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी, चाइना वो कैप्चर करेगा ही करेगा। तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स कुछ इस तरह चलती है। मेरी जो छोटी सी समझ थी मैंने आपके सामने वो रखने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश करी कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं और इसमें अगर युद्ध होता है तो भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स पे और भी आपको अपडेट लाता रहूँगा और चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।